तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों माय यूट्यूब चैनल, स्वागत है आपका एक और नई कहानी के साथ में। कहानी का नाम है खूनी झील। चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक झील थी। जो खूनी झील के नाम से प्रसिद्ध थी। शाम के बाद कोई भी उस झील में पानी पीने के लिए जाता तो वापस नहीं आता था। एक दिन चुन्नू हिरन उस जंगल में रहने के लिए आया। उसकी मुलाकात जंगल में जग्गू बंदर से हुई। जग्गू बंदर ने चुन्नू हिरन को जंगल के बारे में बताया, लेकिन उस झील के बारे में बताना भूल गया। जग्गू बंदर ने दूसरे दिन चुन्नू हिरन को जंगल के सभी जानवरों से मिलाया। जंगल में चुन्नू हिरन का सबसे अच्छा दोस्त एक चीकू खरगोश बन गया। चुन्नू हिरन को जब भी प्यास लगती थी तो वह झील में पानी पीने जाता था। वह शाम को भी उसमें पानी पीने जाता था। एक शाम को वह उस झील में पानी पीने गया तो उसमें बड़ी तेजी से अपनी ओर आता हुआ एक मगरमच्छ देख लिया। इसे देखकर वह बड़ी तेजी से जंगल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसको जग्गू बंदर मिल गया और जग्गू ने चुन्नू हिरन से इतनी तेज भागने का कारण पूछा। चुन्नू हिरन ने उसको सारी बात बताई। जग्गू बंदर ने कहा कि मैं तुमको बताना भूल गया था कि वह एक खूनी झील है जिसमें जो भी शाम के बाद जाता है वह वापस नहीं आता है। लेकिन उस झील में मगरमच्छ क्या कर रहा है, हमें तो इसने पहले कभी नहीं देखा। इसका मतलब वह मगरमच्छ ही सभी जानवरों को खाता है जो भी शाम के बाद उस झील में पानी पीने जाता है। अगले दिन जग्गू बंदर जंगल के सभी जानवरों को ले जाकर उस झील में गया। मगरमच्छ सभी जानवरों को आता हुआ देखकर छुप गया, लेकिन मगरमच्छ की पीठ अभी भी पानी के ऊपर दिखाई दे रही थी। सभी जानवरों ने कहा कि वह पानी के बाहर जो चीज दिखाई दे रही है वह मगरमच्छ है। यह सुनकर मगरमच्छ कुछ नहीं बोला। चीकू खरगोश ने दिमाग लगाया और बोला, नहीं यह तो पत्थर है, लेकिन हम तभी मानेंगे जब यह खुद बताएगा। यह सुनकर मगरमच्छ बोला कि मैं एक पत्थर हूँ। इसमें सभी जानवरों को पता लग गया कि वह एक मगरमच्छ है। चीकू खरगोश ने मगरमच्छ को कहा कि तुम इतना भी नहीं जानते हो कि पत्थर बोला नहीं करते। इसके बाद सभी जानवरों ने मिलकर उस मगरमच्छ को उस झील से भगा दिया और खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हम किसी भी मुसीबत का सामना बिना घबराए मिलकर करते हैं तो उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो धन्यवाद, यहाँ तक आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपने कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा।
तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।